आज हम तुमसे कह रहे हैं कि हाँ हाँ हमने तेरे बाबा को मारा था। पिछली बार तो तेरा बाबा बच गया, लेकिन इस बार नहीं बचेंगे। अब बस ऐसा चमत्कार करो महादेव कि अब ठुरैन बाबा के सामने सारा सच बोल दे। ठंडाई में तो भांग है, इसको पी के ना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने प्यार से मेरे मामूली से तोहफे को कबूला। सच में ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप सब लोग यकीन मानिए कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी का रोजगार आपको फिर से मिल जाए। वैसे एक बात कहूं बड़े ठाकुर साहब, अगर आपकी तरह और ठाकुर भी हो जाए ना, इस बुनकर बस्ती का कल्याण हो जाएगा। अरे कितनी बड़ी बात बोल दी आपने भैरवी जी। चलो तो फिर आइए, एक साथ हो जाइए। इसी खुशी के मौके को हम एक यादगार लम्हा बना ले और इस लम्हे को एक सेल्फी में कैद कर लेते आजीवन। आइए। क्या हुआ? ठीक तो हो? क्या हो रहा है? क्या हुआ तुमने सब में? ये खुजली हमें 16 श्रृंगार के कपड़े पहनने के कारण हो रही है। क्या बात कर रहे हो आप? अरे इन ठाकुरों ने तोहफे जानबूझकर दिए हैं ताकि हमारा त्योहार खराब हो। कैसी बात कर रहे हो, मैं तो अच्छे दिल से दे रहा हूँ ये। अरे महाराज, बाकी ठाकुरों की तरह आप भी निकले कहाँ? गोविंद जी, आप भी ऐसा बोलोगे, मुझे यकीन मानिए मुझे कुछ नहीं पता ये कैसे हुआ। इन ठाकुरों ने गलत तरीके का धागा और कलर इस्तेमाल किया, फिर हमें दे दिया और उसके दान धर्म का नाम देते। भाई कैसी बात कर रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता। क्यों किया ठाकुर साहब ने? अरे सारे धोखेबाज हैं, बेईमान हैं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो ना, छोड़ो ना, छोड़ो ना। तैयार हो जाओ कैलाशी ठाकुराई, अगला नंबर तुम्हारा। नशे की हालत में बाबा के सामने ले जाना ताकि वो सारा सच बाबा को बता दे और बाबा समझ जाए कि वो अच्छी नहीं बहुत बुरी हैं।
अबे भोला बाबू इधर आओ यार, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तो खेल शुरू हुआ यार, और वो तुम हंडाई लाने को बोले थे ना। कहाँ भाई? क्लास लेके आओ यार, रंग जमाते हैं। तुमने तो कहा था खेल शुरू करते हैं। हाँ जाओ 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 लेके आओ। हम एक से बात सुनो, हम ठाकुर साहब को जानते हैं, ये ऐसे आदमी नहीं है जैसे इनके परिवार वाले हैं, ये सब नहीं कर सकते, जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। हाँ नानी सही कह रही है, बड़ी ठाकुरान भले कैसी भी हो मगर बड़े ठाकुर साहब ये बहुत अच्छे इंसान है, तो आपने शांति रखनी पड़ेगी पहले। नहीं नहीं हमको नहीं। एक मिनट महाराज हाथ जोड़ते हैं, वो चाची बात कर रही है, चाची को बात करने दो। सुनो हम कह रहे हैं, हम बात जरा शांति से सुनो, ठाकुर साहब ने नहीं किया होगा ऐसा। नानी ओ नानी बहुत बहुत शुक्रिया, अरे इस तरह तो कभी मेरे अपने भी मेरी ढाल नहीं बने मुझे बचाने के लिए, सच कह रहा हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं माफी चाहूंगा कि मेरी वजह से इनको बहुत तकलीफ सहनी पड़ी। शांत हो जाओ, इस तरीके से बात ना बनेगी, पहले शांत होके समझने की कोशिश कीजिए। आप इन्हें चोट पहुंचाकर कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, आपको ये बात शांति से समझनी होगी। सोलह श्रृंगार के कपड़ों के कारण हमारा ये हाल हुआ है, सोलह श्रृंगार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम इतने आसानी से नहीं जाने देंगे, जितना दुख आपने दिया ना उससे कई ज्यादा दर्द आपको सहना पड़ेगा। दवाई दारू करो, मुझे लगता है ये लोग कुछ खतरनाक ना सोच ले। इतने क्रॉस कनेक्शन तो मोबाइल फोन में भी नहीं लगते जितने हमारे घर के रिश्तों में लग रहे हैं। मतलब ये क्या बात हुई, नीलू के पेट में आनंद भाई साहब का बच्चा है पर शादी की है अग्नि से, और दूसरी तरफ ये अग्नि जो नीलू का पति है पर नैन मतलब क्या कर रहे हैं वो मासी भाभी के साथ, मतलब आनंद भाई साहब की पत्नी के साथ। अरे भगवान पता नहीं क्या ही चल रहा है, पर अच्छा है मेरे हस्बैंड जी एकदम पत्नी व्रता है, कभी भी पराई नारी पर ध्यान ही नहीं देते। हाँ मैं तो सोच रही थी कि नजर ही नहीं डालते पर यहाँ पे तो सीधा रंग डाल रहे, बहुत रंगीन बन रहा है ना, अभी इनकी बैंड बजाती हूँ। कहाँ गया वो जो गंगा जैसे दिख रहा था?
ई देखो ई ठाकुर परिवार की आदर्श बहू है, क्या कर रही, रंग रंगलिया मना रही है सबके सामने, हमको नहीं रंग लगाने दिया और यहाँ पर ये सब ठाकुर परिवारों की वो बुढ़िया किधर रह गई भैया, उसको ये सब नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ भाई ढूंढते हैं। ड्राइंग कहाँ चली गई? जिद्दी क्यों है? ना किसी की सुनते हैं, ना किसी की बात मानते हैं। आप गंगा प्रसाद ही ठीक थे, वही अच्छा रूप था आपका। आपको फिर से गंगा प्रसाद ही बन जाना चाहिए। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? ये एहसास नया है, पर ये क्या है? वो आ गया। ये तो ठुकराइन की आवाज है। वो गंगा, मैंने देखा गंगा, गंगा आ गया। माँ, अच्छा है बुरी टुकराइन खुद बाबा के सामने आ गई और अब वो सच वाली पुड़िया की वजह से उनके सामने सारा सच बोल देंगी।